उस दोस्ती की क्या कदर अगर इसमें सच्चाई ना हो, मुताले का क्या फ़ायदा अगर फहम ना हो, लिखने की क्या अहमियत अगर एहसासात ना हो, अल्फाज की क्या वक़्त अगर उनमें मायनी ना हो, बातचीत का क्या फ़ायदा अगर इसमें मंतक ना हो, मुस्कुराहट की क्या कीमत अगर नियतें पाक ना हो, सदक़े की क्या अहमियत अगर वो छुप कर ना दिया जाए, इखलाक की क्या कदर अगर इसमें हया ना हो, ज़मीर की क्या वक़्त अगर इसमें शराफत ना हो, शादी की क्या कीमत अगर इसमें मोहब्बत ना हो, मोहब्बत की क्या अहमियत अगर इसमें तवज्जो ना हो, बच्चों की क्या कदर अगर इनकी तरबियत ना हो, भाईचारे की क्या वक़्त अगर इसमें सहारा ना हो, वादे की क्या कीमत अगर इसमें वफा ना हो, मामलात की क्या कदर अगर इनमें एहतराम ना हो, और ज़िंदगी की क्या कीमत अगर इसमें इबादत ना हो। हम दोस्ती तो करते हैं मगर सच्चाई नहीं रखते, मोहब्बत करते हैं मगर मुखलिस नहीं होते, कहते हैं मगर करते नहीं, इबरत लेते हैं मगर नसीहत नहीं पकड़ते, पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते, बोलते हैं मगर पानी नहीं देते, वादा करते हैं मगर वफा नहीं करते, आगाज़ करते हैं मगर मुकम्मल नहीं करते। ये हैं वो मसाइल जिनसे हमारी ज़िंदगी और माशरा दो चार है बल्कि तबाह है। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सैयद अहसन आस भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।